जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए, गो ब्राह्मण पृथ्वी स्त्री हैं इनको पर में अत्याचार होने लगता है। मैंने तब तक इस जगत में जन्म ग्रहण करके साधु संतों को धर्म को रक्षा करता हूँ और मैं दुष्टों को में विनाश करता हूँ। इसलिए जब ये घोर कलियुग आ रहा था, ये घोर कलियुग आ रहा था, कली मतलब क्या है, जहाँ कबर कला कला, जहाँ पर कभी लड़ाई झगड़ा है, जहाँ भाई भाई में लड़ाई, बहू बहू में लड़ाई, ऑफिस में लड़ाई, काम में लड़ाई, देश देश में लड़ाई, मन में लड़ाई, लड़ाई लड़ाई छोड़ करके और कुछ है ही नहीं, इसलिए इसका नाम कलियुग है। इसलिए कलियुग का दुर्दशा को देख करके भगवान ने श्री सत्यावेश अवतार रूप में, श्री व्यास देव रूप में ठाकुर जी जन्म ग्रहण करते जगत है। इसलिए कल श्री व्यास देव का जन्म तिथि है, आविर्भाव तिथि है, इसलिए ये आदि गुरु, इसलिए कहते हैं ना कृष्णंग बंदे जगत गुरु। कृष्ण कौन है, ये जगत गुरु कौन है, मतलब भगवान कृष्ण ये जगत गुरु है। इसलिए कल श्री व्यास देव जी का कल जन्म तिथि है, इसलिए लोग क्या करते हैं, श्री व्यास देव की पूजा करते हैं और क्या करते हैं, और अपना अपना गुरु जी को पूजा करते हैं। क्यों, कल तो व्यास देव का जन्म तिथि, अरे अपना गुरु जी को फिर पूजा क्यों करते हैं, बोले कारण है, बोले व्यास का मतलब होता है विस्तार करना। क्या करना, व्यास मतलब जैसे विस्तार, जैसे श्री व्यास देव जी सारे वेदों का विस्तार किया, सारे ग्रंथों का विस्तार किया, धर्मों का विस्तार किया उन्होंने, हैं उसी तरह कहते उसी परंपरा में भी ये भक्त लोग गुरुदेव आकर के ठीक उसी काम को करते हैं, जगत में भगवान की भक्ति को प्रेम को जगत में विस्तार करते हैं। इसलिए उसी दिन हमारी भारत में सब व्यक्ति उसी दिन अपना अपना गुरु जी को सबसे सब पूजा करते हैं। इसलिए कल श्री व्यास देव का बहुत बड़े संत हो, ये छह गोस्वामी में ये अन्यतम है। इसलिए जब हम जय देते हैं ना, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ है, कहते यही छह गोसाई करी चरण बंदन जहाँ हिते विघ्न नाश अमृतपुर। ये छह गोस्वामी केवल छह को ही गोस्वामी बताया, सबको गोस्वामी नहीं बताया, केवल ये छह। बोले गोस्वामी मतलब क्या है, बोले को मतलब होता है इंद्रिया, स्वामी मतलब ये इंद्रियों का जो स्वामी, मतलब ये सारी इंद्रिया जिनको अधीन में रहते थे, जिनकी अधीन में रहते थे। इसलिए हमारी कितना इंद्रिया है, कहते हमारे श्री 11 इंद्रिया है, हैं। और श्री रूप गोस्वामी कहते हैं पांच बेगम मनस क्रोध बेगम जीवा बेगम। हनुमान जी हमारे लिए क्या किया, हम हनुमान को घर घर में क्यों पूजा करते हैं, बंदर को, क्योंकि ये गोस्वामी, ये गोस्वामी क्यों, वो मतलब इंद्रिया, स्वामी मतलब स्वामी जिन्होंने सारे इंद्रियों को कंट्रोल किया। बताओ श्री तुलसीदास जी हमारे लिए क्या किया, जो कि तुलसीदास जी को पूजा करते कारण किया, ये भी गोस्वामी, ये भी गोस्वामी है। ध्रुव प्रहलाद मीरा को क्यों पूजा करते हैं, क्यों, इन लोगों ने गोस्वामी है, इंद्रियों को अपना वशीभूत किया है। इसलिए कहते हैं अगर छह इंद्रियों को अगर कोई अपना जीवन में वशीभूत कर दिया ना, विश्व ब्रह्मांड उनकी शिष्य बन जाते हैं। देखो प्रभुपाद हमारे लिए क्या किया, कि प्रभुपाद को हम क्यों पूजा कर रहे, कारण किया, ये गोस्वामी, इन्होंने इंद्रियों को अपना अधीन बनाया। इसलिए लेकिन हम लोग क्या, हम तो गोदास है, वो तो गोस्वामी, गोदास मतलब क्या, जो इंद्रियों का दासत्व करता है, काम इधर ले जा रहे हैं, क्रोध इधर भगा रहे हैं, लोग उधर ले जा रहे हैं। जैसे एक वेश्या हो ना, उसको तंग कर देता है, अरे हमारे पास में छः छः वेश्या है, ये जो काम क्रोध लोभ है ना, वो एक एक वेश्या है, ये हमें क्या कर रही है, हमें छः तरफ में हमें खींच रही, छः तरफ में ये खींच रही है। इसलिए कहते ये छी को केवल गोस्वामी बताते हैं, हैं, इसलिए छह को, लेकिन छह में जो सबसे जो बड़े हैं ना, पहले तो जय रूप बताते हैं, रूप गोस्वामी का नाम, लेकिन इनका जो बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी, इनके बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी हैं।
इसलिए कि ये सबके सब भगवान की नित्य परिकर है। लेकिन नित्य परिकर होते हुए भी जब भगवान इस जगत में आते हैं, सखी ये लवंग मंजरी है, लेकिन ये लवंग मंजरी होते हुए भी उन्होंने एक साधक चित्त, मतलब एक साधारण साधक कैसे भगवान की भक्ति करते करते धीरे 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 भक्ति जगत में कैसे बढ़े, उन्होंने अपना जीवन में शिक्षा दिया, अपना जीवन में हमें शिक्षा देकर समझाए, अगर भक्ति करना चाहते तो ऐसे भक्ति करो, ऐसे भक्ति करो। इसलिए इनकी जीवन में बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा है। कहती है पहले ये कौन थे, पहले ये कर्नाटक ब्राह्मण और उच्च ब्राह्मण घर में जन्म हुए। इनका बचपन का नाम था, ये दो भाई हैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, एक अनुपम भी इनका के भाई है। इसलिए कहते श्री सनातन गोस्वामी कर्नाटक के ब्राह्मण, बड़े उच्च ब्राह्मण घर में जन्म हुए। इनके बचपन का नाम था अमर और संतोष, इनका नाम था अमर और संतोष नाम था दो भाई का। लेकिन ये दोनों बड़े विद्वान थे, इतने विद्वान इतने प्रखर थे, भले ये नवाब का मेरे मंत्री कैसे बने। उस समय जो नवाब, जो राजा मुसलमान पीरियड उस समय था, जो नवाब जो राजा था, एक था तो प्राइम मिनिस्टर, सनातन गोस्वामी इनकी बड़े भाई उनके प्राइम मिनिस्टर था, और एक था उनकी कोषाध्यक्ष, सारे रुपया पैसा को जो देखभाल करने वाले। कहते ये पहले इनको अपना मंत्री पद में कह ली, कैसे लिया, तो दोनों ब्राह्मण घर में। हाँ देखो बचपन की कथा सुना, बोले एक समय से मुसलमान राजा एक मस्जिद बना रहा था, बड़ी सुंदर मस्जिद था। राजा ऊपर देखने के लिए गया, मस्जिद कैसे बनाया मिस्त्री वाले, वो देख कर तो बड़ा खुश हो गया, वाह कितने सुंदर तुमने मस्जिद बनाया। इतने उसमें जो हेड मिस्त्री था ना, बोले महाराज ये क्या मस्जिद, इससे भी हम बहुत बढ़िया बना सकते हैं। वो तो मुसलमान राजा, वो खाते हैं गो मांस, उनके अंदर में बड़ा क्रोध है, बोले जब तुम बढ़िया मस्जिद बना सकता था पर ये ऐसे बनाया क्यों, जब बोल रहे हो इससे भी हम बढ़िया बना सकते, फिर बढ़िया क्यों नहीं बनाया, ऐसे क्यों बनाया, घटिया फिर बनाया क्यों। वो तो मुसलमान राजा, वो मस्जिद ऊपर उसको धक्का मार कर नीचे गिर गया, बस वैसे गिरते ही राम नाम सत्य हो गया। जब सत्य हो गया वो बड़ा क्रोध में था, इतने में बोला अन्न जो दूसरे मिस्त्री थे, बोले जाओ ले, ऐसे ऐसे नवाब ने बोला ले आओ, हम सोच रहे हैं क्या लेकर के जाए, बोले कर रहा था क्या, बोले उससे मस्जिद बन रहा था, और इतने में जो मेन मिस्त्री बोल दिया इससे भी बढ़िया बना सकते थे, इसलिए बोले बना सकते तो घटिया क्यों बनाए, इसलिए धक्का मार कर हम गिरा दिया, वो तो मर गया, बोले ले आओ अभी हम क्या लेकर के जाए। वो तो बड़ा बुद्धिमान थे, वो समझ गए, मतलब उसको तो मार दिया, बोले और जा करके बढ़िया मिस्त्री ढूंढ करके ला, उन्होंने ये बताना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, रूप और सनातन बड़ी सुंदर सुंदर मिस्त्रियों को ढूंढ करके बोले जा इनको लेकर के चले जा। बाद में फिर राजा सोचा, क्या सोचा, मैंने तो कहा ले करके आओ लेकिन मैंने ये नहीं बताया क्या लेकर के आओ, अभी पता नहीं वो क्या लेकर के आएंगे, मैं तो क्रोध में था। लेकिन जब उन्होंने अच्छा अच्छा मिस्त्री लेकर गए, राजा तो खुश हो गया, बोले तुमको पता कैसे चला, बोले हम तो बड़े दुखी होकर घूम रहे थे क्या लेकर के जाए। दो बालक, बड़े सुंदर बालक है ब्राह्मण घर के दो बालक, उन लोगों ने ये मिस्त्री देकर के भेज दिया। बोले भैया लगता है ये दो बच्चे साधारण नहीं, बोले दो बालक को बुला कर मिला, फिर उन्होंने बुला करके लेकर गए। जब लेकर गए इनकी बुद्धिमत्ता देख करके, इतने प्रखर तेज बुद्धि, इसको देख करके इतने खुश हो गए, इनको फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पद में रख दिया, उनका अपना प्राइम मिनिस्टर पद और कोषाध्यक्ष दोनों भाई को दे दिया। जब से इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया तब से इनके राज्य रात है कर, राज दोगुना दिन दोगुना रात चौगुना, उसका राज्य में इतने समृद्धि होने लग गए उनको राज्य में है। फिर उसने इनका नाम अमर और संतोष किया, हमारे हिंदुओं का नाम, लेकिन राजा ने उनको फिर नया नाम मुसलमान दे दिया, क्या नाम, दबिरी खास और साकर मल्ले, ये मुसलमान का नाम फिर दे दिया दबिरी खास और साकर मल्ले। लेकिन फिर जब ये दोनों चैतन्य महाप्रभु के पास में आए, फिर महाप्रभु का नाम फिर बदला दिया रूप और सनातन, रूप और सनातन नाम इनके रख दिया।
अभी श्री ये सनातन गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी जब प्राइम मिनिस्टर पद में रहते थे वो तो ब्राह्मण घर के, ब्राह्मण घर के थे, लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु का संपर्क में आए, चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने कथा सुनी, उनने भक्ति की कथा सुनी है ना, भैर तो महाप्रभु प्रेम एकदम उन्माद हो गए। अभी उन्होंने राज्यपाल छोड़ छाड़ करके वो अभी चाहते हैं हम वृंदावन में जाए और भगवान की भक्ति, भगवान की भजन करें, वृंदावन में जा करके भक्ति करें। लेकिन राजा उनको छोड़ने वाले नहीं, क्यों? दोनों भैया बड़े बुद्धिमान हैं, हैं? इनके राज्य तो दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ते जा रहा है। सारे राज्य को वो सोचता था मैं एक हूँ और ये दोनों भाई मेरे और दो भाई, वो अपने आप को तीन भाई मानता था, अब ये दोनों को ये मानता था एक मेरे सीधा हाथ है और एक मेरे बाम हाथ है, मतलब इतना उनको प्यार करता था, इतने उनको भाई मानता था, इतने बुद्धिमान इतने विवेक थे। अभी सनातन गोस्वामी को वो बहुत प्यार करता था, बहुत, क्योंकि वही सारा दुनिया को देखता था, लेकिन वो तो प्यार करता था उनको, लेकिन वो क्या बोलते थे, बोले राजा मोरे प्रीति करे ये मेरा बंधन, कहते राजा जो मेरे को प्रीति करता है ये मेरे बंधन है, क्योंकि भगवान हमें जो मानव शरीर दिया है 84 लाख जन्मों के बाद में हम इसी जीवन में भगवान को भक्ति करके हम भगवान तक जा सकते हैं, ठाकुर तक जा सकते हैं, लेकिन इसका प्रेम मतलब हमें संसार में बांध कर रखना, ये दुनियादारी में फंसा कर रखना, लेकिन वो क्या चाहते हैं, वो दुनियादारी छूटे और भगवान के चरण में जाए, महाप्रभु के चरण में, और उनकी सेवा करे। इतने में उसने क्या किया, उसने बहाना बना दिया मेरे को बुखार है, अभी राज कार्य में मैं नहीं जा सकता। तब राजा तो बड़े चिंता में पड़ गए, सारा दुनिया तो यही देखता, मैं कुछ देखता ही नहीं। तब उन्होंने बद्दे भेज दिया, भैया जाओ देख कर क्या कौन सा बुखार, कौन सा सर दर्द, क्या बीमारी। लेकिन जब वो वैद्य आया, देखा इनके अंदर में कोई बीमार नहीं, ये वहाँ पर ब्राह्मण पंडितों को लेकर के, संतों को लेकर के वहाँ पर भागवत चर्चा हो रही, प्रभु की कथा, प्रभु का कीर्तन, प्रभु का भजन में मस्त है। वो वैद्य ने जा करके बोला, बोले उनका तो कोई बुखार बुखार कुछ है ही नहीं, ये तो मस्त है, ये तो भागवत चर्चा हरी चर्चा में मस्त थे। इतने में राजा ने उनको बुलाया, बोले भैया तुम क्या चाहते हो, बोले मैं ये चाहता हूँ मैं आपका राज्य का जो प्राइम मिनिस्टर पद को हम छोड़े और छोड़ करके हम वृंदावन जाए और हम भगवान की भजन करें। बोले अगर तुम अगर चले जाओ मेरे राज्य क्या होगा, फिर राज्य तो तुम ही देखते हो, बोले जो कुछ होगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो प्रभु का भजन करने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि इसी जीवन में ही भगवत प्राप्ति होगी, अगर ये जीवन एक बार नष्ट हो गया फिर जीव को ये 84 लाख जन्म में फिर उसको भटकना पड़ जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं इसी जीवन में प्रभु की भजन करते हुए प्रभु के पास में भी जाना चाहता हूँ। अभी राजा जा रहा था उड़ीसा, ये बंगाल से वो उड़ीसा जा रहा था युद्ध करके, राजा को साथ में वो देश को दखल करने के लिए, बोले मैं उड़ीसा जा रहा हूँ, वो तो प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ में चलो, बोले मैं नहीं जा सकता, बोले क्यों, बोले इसलिए आप उड़ीसा जा रहे हो, उड़ीसा में प्राय करके हर जगह में भगवान के मंदिर है, लेकिन वो मुसलमान लोग क्या करते थे, सारे हिंदू मंदिरों को ध्वंस करते थे, तोड़ देते थे, ठाकुर को तोड़ देते थे। वृंदावन गए हो, कौन कौन वृंदावन गए हो आप, देखे होंगे बांके बिहार के पीछे जो मदन मोहन का चूड़ा अभी भी तोड़ा हुआ है, गोविंद देव मंदिर जाओ अभी तोड़ा हुआ है, अब जो जाओगे जो अच्छे अच्छे मूर्ति उसको तोड़ फोड़ करके हैं, जिसमें औरंगजेब का राज सब तोड़ फोड़ किया, इसलिए राजा मान सिंह ने हमारे जितने हिंदुओं का ठाकुर को गोविंद गोपीनाथ सबको उन्हें जयपुर ले गए, सब सब हैं जयपुर ले गए, इसलिए बोले मैं नहीं जा सकता हूँ आपको साथ में, आप तो केवल मंदिर तोड़ोगे और देवता को हिंसा करने के लिए जा रहे हो, बोले अगर मेरे साथ में नहीं जाओगे ना उनको बंदीशाला में डाल, उसको जेल में बंद कर दो, अभी उनको जेल में बंद कर दिया करके वो राजा चला गया उड़ीसा को जय करने के लिए। जब चला गया अभी एक जेल कीपर है, वो जेल कीपर एक समय ऐसे था, वो तो प्राइम मिनिस्टर था ना,
या हमारी ये सनातन गोस्वामी वो जेल कीपर को जो उन्होंने जो नौकरी उन्हें नहीं दिया था, इसलिए श्री सनातन गोस्वामी प्रार्थना किया, बोले देख एक समय मैं तेरे ऊपर में कृपा किया था, अभी तू मेरे ऊपर में कृपा करो, मेरे को जेल से मुक्त करा दो, जेल से मुक्त करा दो। बोले नहीं, फिर तो राजा मेरे को सीधा सूली में चढ़ा देगा, मैं मुक्त नहीं कर सकता। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5000 कितने 5000 स्वर्ण मुद्रा उनको सामने याद रख दिया। बोले ले ये 5000 स्वर्ण मुद्रा कितना होगा, सोच रहे हो, सोच रहे कि नहीं कितना होगा 5000 स्वर्ण मुद्रा, कितने पैसा होगा। उसको देख करके तो उसको जीभ में पानी आ गया। बोले मेरे बच्चे का बच्चे को तो कभी काम करने की जरूरत नहीं, ये 5000 स्वर्ण मुद्रा। अभी तो उसको देख करके बोले देखो अगर आपको छोड़ दूँ ना, अगर राजा को पता चले तो फिर मेरे पे गड़बड़ी है, अरे गड़बड़ी है, हैं, इसलिए मैं कैसे छोड़ दूँ। जब फिर उन्होंने क्या किया, फिर 2000 फिर स्वर्ण मुद्रा उसको सामने रख, उसको देख करके तो सब खबरी खराब हो गया, हैं, अरे इतने पैसा, हम सोच रहे कि नहीं 7000 स्वर्ण मुद्रा, हैं, 7000 तोला सोना उसको सामने, उसको देख कर उसका तो खुशी तो खराब हो गया। बोले अगर मेरे को राजा पूछेगा तो फिर मैं क्या बताऊँ। बोले चिंता मत करो, तेरे को ये भी उपाय बताता हूँ। पहले क्या होता था, उसके पास में गंगा बह रही। बोले राजा को तुम ये बताना, ये शौच क्रिया के लिए हम उसको ले गए थे हाथ में हथकड़ी बड़ी बांध करके, पहले तो घर में आटा, उसको जंगल में शौच क्रिया के लिए जाना पड़ता था, गंगा में स्नान करते थे। बोले तुम ये बता देना, हम तो उनको गंगा में स्नान कराने के लिए तो ले गया था, पता नहीं वो डुबकी लगा है तो पता नहीं कहाँ भर उधर चले गए। अरे मैं चलेगा, मैं कहाँ गया, तो बोलना वो मर गया, मैं तो यहाँ रहूँगा नहीं, मैं तो बहुत दूर चले जाऊँगा, पता ही नहीं चलेगा। उन्होंने ऐसे उन्होंने सोने की मोहर उन्होंने कपड़े को अंदर में छुपा करके लेकर गए, अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो निकल। राजा आप कहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, जब जा रहे थे पहले लोग जंगल हुआ करता था, जंगल को देख करके और छुप करके जा रहे थे ना, वो जंगल जंगल में जा रहे थे, पता नहीं चले मैं कहाँ चला गया, वो आ रहे थे वृंदावन, हैं, अभी आते समय पहले लोग रहते बाहर कर रहे थे, लेकिन सनातन गोस्वामी वो कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, सारा दुनिया को चलाने वाले हैं, हैं, उन्होंने समझ गए भैया दाल में कुछ काला है, ये तो हमारे साथ में कुछ लगते ही नहीं, हमारे कोई संबंध ही नहीं, पर इतने प्यार प्रेम खिलाओ पिलाओ, इतने इज्जत अपना परिवार को भी इतना नहीं करेंगे, उतना कर रहे हैं, वो जमा समझ गए दाल में कुछ काला है नहीं, हैं, खाओ पियो रहो सो खाना बना रहे हैं, वो समझ गए भैया यही कारण है। वहां पर गए, उनका जो मेन व्यक्ति था ना, बोले तो भैया हमारे पास में ये 7 स्वर्ण मोहर है, आप इसको ले लो और हमको पार करा दें। जब ये बात बोले ना, हमने कहा देखो 7 नहीं 8 है, 7 नहीं कितना है 8 है, ये हमें पहले से ही पता था, आज रात को आपको गला काट करके मार करके हम ले लेते, लेकिन आप हमें पापों से बचा लिया, ये पाप से बचा लिया, लो आज आप सब कुछ नहीं लेंगे, आप 8 बोल लो और यहाँ से चले जाओ। जो बोले बोले आप तो हमें छोड़ देंगे, फिर रास्ता में कोई मिलेगा फिर वो पकड़ेगा, तो फिर पकड़ेगा, इसलिए अब इतना दया करो आप उसको लो और हमें इस जंगल पार करा के उस तरफ में छोड़ दो, हैं। लेकिन उनके साथ में जो एक किसान था, तो उन्होंने बड़ा उनको डांट लगा, डांट लगा करके बोले भैया तुम भगवान जरूर हमें रक्षा करेंगे और भगवान जरूर हमें पागल करेंगे, जिसने एक चिट्ठी से लेकर के हाथी तक भी जिसको खिलाता है उसको भक्ति नहीं करने पर जिसको खिलाता है, अगर हम उनके शरण में जाएंगे और उनके 24 घंटा बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे बार जोर से बोलो बोला हरे कृष्ण कृष्ण
पश्चिम दिशा का मिट्टी नहीं खोदना।